बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उनके डिफाइन को समझने की कोशिश की थी। आज हम रूल्स पढ़ेंगे कि अगर कोई वैल्यू है, हमें गिवन वैल्यू है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमने बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है गिवन वैल्यू में, तो उसके लिए कुछ रूल हैं। सबसे फर्स्ट वाला रूल हम डिस्कस करते हैं कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो ऑल टू ऑल सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे हम जानते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब ज़ीरो की बात रह गई तो ज़ीरो के मतलब ये है कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। ज़ीरो मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब बाज़ सूरत में वो सिग्निफिकेंट होगा और बाज़ों का उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। अब बात यह है कि कब उसको सिग्निफिकेंट कहना और कब नहीं, तो उसके भी कुछ फर्दर रूल्स हैं कि अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ गया, बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर हमारे पास जो ज़ीरो है वो इनमें से, ये वाले जो हमने कहा 1 से लेकर 9 तक सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगर इनमें से ऐसी वैल्यू हैं कि उनके दरमियान में कहीं पर आ गया है, तो फिर हम ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। जैसे कि वैल्यू हमारे पास 5, 3, 0, 9, अब 5 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी और 9 भी, इनके दरमियान में जो ज़ीरो आया वो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर ज़ीरो पॉइंट वाली वैल्यू में, यानी डेसिमल जो फ्रैक्शन है उसमें लेफ्ट साइड पे आ गया है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 0.00734, अब ये डेसिमल जो फ्रैक्शन है इसमें पॉइंट में जो लेफ्ट साइड पे ज़ीरो है वैल्यू के, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर इसमें बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 7, 3 एंड 4। और अगर ज़ीरो हमारे पास डेसिमल में राइट साइड पे आ गया है तो भी वो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम वैल्यू लेते हैं 3.7570, अब डेसिमल फ्रैक्शन में जो राइट साइड पे ज़ीरो आ गए हैं तो अब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर हमारे पास इंटीजर हो तो फिर, जैसे कि वैल्यू है 800 यानी 8000 केजी, मैस है किसी चीज़ का, अब ये होल नंबर है, डेसिमल वाला नहीं है, तो अब इसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कैसे, अगर आप जिस बैलेंस से मास मालूम कर रहे हैं अगर तो उसका लीस्ट काउंट 1 kg है, तो फिर ये 4 जो है ये 8 भी सिग्निफिकेंट होगा और तीनों 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर लीस्ट काउंट, अगर उसका लीस्ट काउंट 1 kg होगा जिस बैलेंस के साथ हमने मेजर किया है, तो फिर ये हमारे पास चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और अगर आपने जिस बैलेंस से ये 8000 मैस मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट 10 kg होगा, तो फिर हमारे ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारे पास फॉर लीस्ट काउंट 10 kg। आप जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया मास, अगर उसका लीस्ट काउंट 10 kg होगा तो फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे, 10 फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। और अगर आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट 100 kg है, तो फिर आपका 2 0 कैंसिल आउट होकर 8, ये वाला 8 और ये वाला 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरह अगर उसका लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का 1000 kg है, तो फिर आपके पास ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, ओनली 8 सिग्निफिकेंट फिगर होगा।
उसके बाद अगर फर्दर बात करें तो अगर आपने कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल वैल्यू आपके पास 8.70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम, अगर आपने वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है तो सिर्फ ये जो 10 की पावर के बगैर यानी 8.70 ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 10 की पावर का हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में यूज़ नहीं करते। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास 8.70 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये वाला फर्स्ट रूल था कि अगर गिवन वैल्यूज हों तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कैसे बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड रूल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।